आज संगरिया में राजस्थान वित्त ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा जी यहाँ मौजूद हैं, और जो ओबीसी के लिए राज्य सरकार ने सुझाव मांगे हैं, जो संवाद स्थापित करने की कोशिश की, उस संदर्भ में आज यहाँ नगर पालिका प्रांगण में बैठक हुई और उसके बाद लोगों ने जो विचार दिए, और किस तरीके के ये मुहिम है, किस तरीके से मुख्यमंत्री या राज्य सरकार जनता से संवाद और सुझाव ले रही है और उनका इम्प्लीमेंट। राजस्थान सरकार हर वर्ग के प्रति गंभीर है, हर वर्ग से सुझाव भी ले रही है और लोगों के सुझाव के आधार पर ही योजनाएं बना रही है और लोगों को लाभान्वित कर रही है। पहले 2 साल कोरोना में निकल गए, कोरोना का जो मैनेजमेंट राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किया वो अपने आप में एक मिसाल था। कोरोना के बाद सरकार को बहुत कम समय मिला काम करने का, और 3 साल के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने इतना काम कर दिया कि जो ना भूतों ना भविष्य थी, पहले कभी ऐसा काम, ऐतिहासिक काम किसी पूरे प्रदेश के पूरे देश के अंदर राजस्थान के मॉडल की मैं कहूँ तो राजस्थान मॉडल की चर्चा भी और राजस्थान मॉडल के कॉपी किया जा रहा है। कर्मचारियों को ओपीएस देने का काम हम देखेंगे कितना बड़ा काम था, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी योजना कितना बड़ा काम था। ओबीसी के माध्यम से हम ओबीसी वर्ग के लिए पूरे राजस्थान में ओबीसी के हमारे साथियों से सुझाव ले रहे हैं कि ओबीसी वर्ग का समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, समाज के अंदर इन जातियों से जिनका समाज सुधार के अंदर, समाज के अंदर राष्ट्र के निर्माण में और समाज के निर्माण में ओबीसी की जातियों का योगदान है। इसी सुझाव के माध्यम से अभी जैसे ओबीसी के लिए जो लोन थे उनके सरकारी कर्मचारी की गारंटी आवश्यक थी, हमने इन सुझावों के आधार पर एक ज्ञापन दिया और अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने वो सरकारी कर्मचारी की गारंटी की बाध्यता को हटा दिया और अब 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की जनप्रतिनिधि की गारंटी चल सकती है। तो एससी का साथी हो, एसटी का साथी हो, ओबीसी का साथी हो, जो भी लोन के लिए आवेदन करता है, हर वर्ग को राहत देने का काम अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार ने किया। इसके साथ साथ एमआरसी कैंप लगे, हम देख रहे हैं कि अनेकों काम हुए। आज कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, पूरी तरह से एकजुट है, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ मुख्यमंत्री चेहरे के कई कई दावेदार हैं, जबकि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस राहुल गांधी जी के खड़गे जी के नेतृत्व में तिरंगे झंडे के निशान के ऊपर और हाथ के निशान के ऊपर कांग्रेस की पूरी पार्टी, कांग्रेस के सारे नेता एकजुट हैं और हम काम के आधार पर जनता के बीच जाएंगे। जो कांग्रेस की सरकार ने काम किए हैं, जनता को राहत देने का काम किया है, हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। आज लगभग हर परिवार में लगभग 7-8 हजार रुपए के आसपास का फायदा पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। मोदी जी ने किसानों को साल में एक बार 6 हजार रुपए पहुंचाए थे और उनके लिए वो गुणगान कर रहे थे। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार ने लगभग 7-8 हजार रुपए प्रति माह हर व्यक्ति के घर के अंदर फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो गरीबी को बढ़ाने का काम, महंगाई को बढ़ाने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उस महंगाई को कम करने का काम, गैस सिलेंडर 1150 रुपये का हो गया था, अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार ने उसको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे दिया। तो हर वर्ग को राहत देने का काम, जो महंगाई से जनता त्रस्त थी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार से, उस महंगाई को कम करते हुए राजस्थान की कांग्रेस की सरकार गांधी जी के और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने जो सपना देखा था कि जनता का राज जनता के लिए, उसी राज को साकार करने का काम अशोक गहलोत जी की राजस्थान की कांग्रेस की सरकार करे। जिस तरीके से अक्सर देखा गया राज्य सरकारें आदेश करती हैं कि ये स्कीम लागू होगी, ये होगा, अशोक गहलोत सरकार के संदर्भ में जो संवाद महत्वपूर्ण है, जो लोगों से सुझाव मांगा, अशोक गहलोत जी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों से पूछकर लोगों के लिए नियम बनाती है, लोगों के लिए उनको राहत देने का काम करती है। आप देखें जिले बनाए, तो जिले बनाने से पहले लगभग मुख्यमंत्री जी से डेलीगेशन मिले कि हमें जिले की डिमांड है, लोग सोच रहे थे 1 या 2 जिले बनेंगे, जब क्योंकि अनूपगढ़ के जिले का डेलीगेशन लेके मैं और कुलदीप इंदौरा जी हम मिले थे, हमने मांग की, मुख्यमंत्री जी ने 5-7 दिन में उस मांग को स्वीकार कर लिया। अनूपगढ़ के लोगों को आशा भी नहीं थी कि अनूपगढ़ भी जिला बनेगा क्या, कई कई सालों से वहाँ धरने चल रहे थे, प्रदर्शन चल रहे थे, यही दूसरे जिलों के अंदर हुआ। इसी प्रकार जब भी कोई समस्या मुख्यमंत्री जी के पास गई, उस समस्या का समाधान हुआ, और इसके साथ साथ लोगों से बुलाकर पूछा गया पहली बार कि भाई आपकी क्या समस्या है कि सरकार आपके लिए काम कर सके, वो समस्याओं का समाधान किया गया।
अब जो संवाद मिशन 2030 है, विजन 2030 है, वो भी संवाद है कि मुख्यमंत्री जी उसके माध्यम से विभिन्न विभिन्न वर्गों से रूबरू होकर उनके राजस्थान के विकास के लिए उनकी क्या परिकल्पना है, राजस्थान को कैसा देखना चाहते हैं, उनके आधार पर कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र भी बनाएगी। और आने वाले समय में जब दोबारा जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि काम करने वाले को अगर मौका देंगे तो और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करने वाला अच्छे लोगों का हौसला बढ़ाने का काम हमारा समाज सदैव से ही करता रहा है। हमारे समाज की बात करें, समाज ने सदैव असुरी शक्तियों का नाश किया है और हमेशा अच्छे और भले लोगों का हौसला बढ़ाया है। तो इस बार जो अच्छी और भली कांग्रेस की सरकार है, अच्छा और भला अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता अच्छे लोगों का, अच्छी पार्टी का, कांग्रेस जैसी अच्छी पार्टी है जो लोगों के लिए नीतियां बना रही है, जिसकी नीति साफ है, नीयत साफ है, उनका हौसला बढ़ाएगी। कांग्रेस की सरकार पुनः राजस्थान में। अब जो संवाद और काम का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में प्रस्तावित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा, उसकी क्या मुख्य बातें रहेंगी? विभिन्न, जैसा मैंने कहा, कहीं युवाओं से संवाद होगा, कहीं उद्यमियों से संवाद होगा, जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में रत्न व्यवसायियों से संवाद हो रहा है, हनुमानगढ़ के अंदर किसानों से संवाद करने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। दौरा भी प्रस्तावित है, विस्तृत जानकारी ये एक दो दिन के अंदर जब भी दौरा फाइनल हो जाएगा इसकी आ जाएगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मैं भी हूँ, विनोद चौधरी जी भी हैं, हमारे अशोक चौधरी जी को भी जिम्मेदारी दी गई है, इसके साथ सुरेंद्र दादरी जी हैं और नौर विधायक अमित चाचाण जी हैं। ये सब लोग मिलकर किसानों, उसके और पूरी कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, वो जो हमारे गांव डाणी में बैठे किसान भाई हैं, उनको प्रशासन के माध्यम से वो संवाद होगा, जिला प्रशासन संवाद करेगा। मुख्यमंत्री जी जब संवाद करेंगे तो जो वास्तविक किसान है, जो गाँव डाणी के अंदर बैठ कर समस्या से रूबरू है, उनकी समस्याओं को जानेंगे। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी जब अपना घोषणा पत्र बनाएगी तो उन मांगों को उसके अंदर डालेगी, और जब कांग्रेसी सरकार दोबारा बनेगी तो निश्चित तौर पर जब नई सरकार कांग्रेस की बनेगी तो जो किसानों की समस्याएं किसी वजह से वंचित रह गई हैं तो उनको पूरा किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि बीते दिनों पानी की समस्या थी, आईजीएन पी जब बड़ा धरना प्रदर्शन हनुमानगढ़ में भी चला, मैं खुद भी आया, हमने बात की, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, परंतु आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने भी वार्ता की, मैंने खुद ने भी वार्ता की, जल संसाधन मंत्री ने भी पंजाब के मंत्री से वार्ता की, परंतु पंजाब और यहाँ से आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए भगवंत मान जी से भी मिलने गया, हनुमान बेनीवाल जी के साथ, सिर्फ उन्होंने कोरे आश्वासन दिए और किसी प्रकार की कोई राहत हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की जनता को देने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो देखिए कि किस प्रकार से एक बार ऐसा ही आंदोलन पहले चला था। अमरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत जी गए और पानी लेकर आए। तो हमारी पार्टी ऐसी है कि एक दूसरे के किसानों के दर्द को समझती है, किसानों की बात को समझती है। आप बिल्कुल छोटे से छोटे मुद्दे पकड़ के चल रहे हैं, छोटे से छोटे वर्ग, छोटे से छोटे जाति समीकरण के जो माइक्रो मैनेजमेंट के एक काम के माध्यम से कांग्रेस जो आगे बढ़ रही है, आप किस तरीके से सरकार रिपीट होने के बारे में आशान्वित है? देखिए, सरकार तो निश्चित तौर पर रिपीट होगी, सरकार जनता के आशीर्वाद से रिपीट होगी, और जनता का आशीर्वाद मैंने जैसे पहले कहा, भले लोगों को मिलता है, अच्छे लोगों को मिलता है, जो जनता के लिए काम करें उनको मिलता है। 1998 में कांग्रेस की सरकार थी, अकाल को सुकाल में बदलने का काम किया, दोबारा जब कांग्रेस की सरकार आई, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 156 से कांग्रेस 56 पर आ गई, लोग समझ नहीं पाए, बीजेपी की सरकार आई, सारे विकास के काम ठप कर दिए, कांग्रेस की सरकार दोबारा बनी, निःशुल्क जाँच, निःशुल्क दवा योजना, सैकड़ों योजनाएँ लागू की, फिर कांग्रेस 96 से 21 पर आ गई, फिर लोगों के समझ में आया, बीजेपी ने विकास ठप कर दिया, रिफाइनरी बंद कर दी, किसी वर्ग को कोई राहत नहीं दी, कांग्रेस की सरकार बनी, अब योजनाएं जो चल रही हैं, लोगों को भी ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी हिस्ट्री को देखें, जब जब वो सत्ता में आए, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए उनको बंद करने का काम किया, गलती से भी अगर इस बार कांग्रेस बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई राजस्थान के अंदर, तो जो कांग्रेस की सरकार ने अब योजनाएं शुरू की हैं, चाहे फूड पैकेट की बात करें, निःशुल्क बिजली की बात करें, 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों को, 100 यूनिट आम आदमी को बिजली फ्री, और कर्मचारियों के लिए ऑफिस, आप निश्चित मानिए सत्ता में आते ही सबसे पहले योजनाएं बंद होने वाली हैं,
भारतीय जनता पार्टी गरीब का निवाला छीनने का काम करती है, अडानी अंबानी को पनपाने का काम करती है। जिस दिन अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में, मैं तो कहता हूँ इस बार तो कांग्रेस आएगी, पर जब भी भविष्य में कभी भारतीय जनता पार्टी आ गई तो सबसे पहले लोगों की बिजली बंद करेगी, 2000 यूनिट किसानों की बिजली छीनेगी, 100 यूनिट आम आदमी की बिजली छीनेगी, निःशुल्क फूड पैकेट बंद हो जाएंगे, कर्मचारियों को ओपीएस छीनने का काम करेगी। क्योंकि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वहाँ किसी भी राज्य में ऐसी योजनाएं लागू नहीं है। धन्यवाद। हेलो।